स्पेन के अंदर ना एक्सटेम्पो टेस्ट जा रहा है, वो कहना ये क्रिश्चियन का है स्पेन, मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकले। ऐसा जज्बा है मुसलमानों का कि काफर हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे तो हमें जितने भी ये जो एडवांस ममालिक हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, वो कभी भी हमें बेटर ट्रीट नहीं करेंगे। हम लोग काफी यूनाइटेड हैं जो मुस्लिम्स हैं। मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया को दे रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं। इंडिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया को प्रमोट किया गया, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से, झूठ फ्रेब बेईमानी सिर्फ यही है। और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता, क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मुसलमान जो सामने सीना तान ले, काफिर की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना ही जज्बा मुसलमानों में है तो वो फलस्तीन की अब तक मदद क्यों कर रहे? वो हमारे हुक्मरान नहीं चाह रहे ना, हुक्मरान चाहेंगे तो पाकिस्तान कर सकता है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। बात सुने, अपनी इमेज सही रखे, बाहर जाके क्यों मांगे? अपनी जगह वहाँ जाके अपनी रेपुटेशन दिखाए कि हम ऐसे नहीं है। बस मेरे ख्याल में ये सियासी प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो है अमेरिका और यूरोप की वो कर रही है पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के साथ। हमारा भी एक इमेज है, मतलब कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जगह जगह से मांग। आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो स्पेन के अंदर जो है ना, पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए स्पेन के जो सिटीजन है ना, वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो देश है ना हमारा है, क्रिश्चियन का देश है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी है ना उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको जो है ना हमारे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप समझते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है वो भी वैसे नहीं है जैसे हम हैं, उनके लिए भी बुरा नहीं कहा? नहीं नहीं, हम बहुत गलत है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम बाहर जाएं कमाने। हाँ जी, दुनिया से जितने हिंदुस्तानी गए हुए हैं वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। हाँ जी, हर समझते हैं कि हमारा और हिंदुस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, क्या ट्रेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मुल्क जो है वो मौशियत अच्छी हो जाएगी, कारोबार अच्छे होंगे। मेन ये जो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, ये इनमें जो इतनी इनमें जो जद्दोजहद चल रही है ना, ये उनका भी कसूर नहीं है और कसूर हमारा भी नहीं है, ठीक है। लाइक ये हमारे जो रेपुटेशन और हमारे इन पाकिस्तानी हालात जो गुजर गए हैं ना, जो आवाम देख रहे हैं और जो आने वाला आवाम को नज़र आ रहा है, इस बना पे लोग तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग मेच्योर्स होते हैं ना, जिनको पता है यार हमने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ मजबूत हमने अपना बैकग्राउंड कर लेना, लोग समझदार होते हैं वो बाहर जाते हैं अपना कुछ बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें शामिल हो गए हुए हैं जो बाहर जा कर कमाते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, उधर जाके मांगना शुरू कर देना, लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी। हाँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यार हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना, बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, जो कि पाकिस्तानी जाकर बाहर की आवाम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाते ना तो इंडिया में क्यों नहीं होता? हर इंसान आज दुबई में कहीं भी चले जाए, पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है। जो हाथ है कि हिंदुस्तानियों के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें क्यों नहीं कहा जाता कि निकलो हमारे मुल्क से, मत आओ हमारे मुल्क में, या हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों नहीं कहा जाता कि निकल जाओ, ये भी तो, वो भी तो मुस्लिम है ना। लेकिन रही बात यह है कि पहले इस कौम को जो है ना तालीम की, शहूर की, तरबियत की जरूरत है। एक आप किसी बुरे को अगर बुरा नहीं कह सकते तो कम अज़ कम दिल में से तो जानो, ठीक है। आज हर बंदा इसका बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियां, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है, ठीक है। अब हमारे बच्चे यहाँ पे तहफ़ में, अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ से गुजरता हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चल जाएगी। अभी मैं अल्लाह जानते, मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था कि जितने एक बड़े यहाँ पर अदारे बना देते हैं, ठीक है, यही है ना जिनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कितने कितने बड़े दफ्तर खोले हुए हैं, कितने कितने बड़े सिस्टम है, ठीक है, कितने कितने बड़े हैं, और उतने ही ज्यादा क्राइम है इस मुल्क में। यहाँ से प्रोटेस्ट आ रहा है, कभी हमने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने कहा गेट आउट इंडियंस, कभी नहीं कहा गेट आउट हिंदू, कभी नहीं कहा कि गेट आउट इंडियन मुस्लिम्स, क्यों नहीं कहा? मैंने वही बात को सारी बात कह रहा हूँ, मुस्लिम वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है
जो पूरी दुनिया में हर जगह इकट्ठे हैं, जो पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे हर जगह आप अमेरिका चल जाए, जर्मनी, उधर मॉस्क वगैरह काफ़ी हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम है कि चूँकि अकबर हमारे हिस्ट्री में भी जो हम मुस्लिम्स थे, हमारा काफ़ी राज था, जैसे ऑटोमन एम्पायर वगैरह सब, तो उनको बस यही मसला है कि ये हमारे से आगे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारे जैसे यहाँ हम आगे निकल रहे हैं इस टाइम हिंदू यहूदी काफिर जितने भी मज़हब हैं मुस्लिम के अलावा, इस टाइम हम पे काबिज़ हैं, हम देखो हमारी मोशियत कितनी सी हो गई है, और इस टाइम दुनिया में राज किसका है, हिंदूज का, यहूदीज का, यहूदीज का, ऐसे ही। लेकिन मैं उनसे आगे है यार, आप सिर्फ एक पॉइंट व्यू से देख रही हैं, जैसे अब स्टडी से देखें, अब आप जैसे मैं वहाँ पर स्टडीज कर रहा था, मैं वहाँ के जो नॉर्मल बच्चे थे ना, मैं उनसे बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? कि मैंने वो चीज़ें सारी यहाँ पर पहले ही पढ़ चुका था। उनको इस बात पर भी गुस्सा चढ़ता है कि मेरे से आगे क्यों निकल रही है, तो दूसरी दुनिया से यार, तो दूसरे पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल ज़्यादा है या बाहर की दुनिया? ओवरऑल वहाँ का ज़्यादा है ओवरऑल। कैसे हम कह रहे हैं कि आपने वो सब कुछ पहले यहाँ पे पढ़ा? यहाँ पे अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो, आगे आओ ना, बोलो क्या। मैं कह रहा हूँ मेंटालिटी अच्छी है ना यहाँ पे, मेंटालिटी अच्छी होती है से, थोड़ा सा आगे आओ ना, फास्ट फास्ट हर लिहाज से, तरह से हमारा एजुकेशन तो बाहर, मैं आपको बताती हूँ, अभी सऊदी वालों ने पता क्या कहा है, सऊदी वालों ने बिल्कुल वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो इंडियंस को दिया है, और पाकिस्तानियों को बहुत कम कर दिया उन्होंने, विजिट वीज़ा पे खोले हैं, परमानेंट वीज़ा बंद कर दिए, मैं वर्क वीज़ा बंद कर दिया, तो इसकी भी तो कोई वजह होगी ना कि मुसलमान मुसलमान पैसा, यही है पैसा, मनी, पैसा नहीं इसलिए हमें, सीधी सी बात है, देखें पैसा आपको पता है दुनिया की सबसे, जिसे कहते हैं ना, पावर चीज़ है, लाइक पावरफुल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको पता है जहाँ से मुझे पैसा और मिलेगा वो उसके पास ही जाएगा। हिंदुस्तान की सिर्फ पैसे की वजह से इज्जत की जाएगी, यस, तो फिर हमें भी उनसे हाथ नहीं मिला लेना चाहिए, बेनिफिशियल चीज़ों को हमें ट्रेड में लाना चाहिए, बेनिफिट्स लेने चाहिए, दुनिया तो चलती ही बेनिफिट्स पे, दैट्स ट्रू, लेकिन हम क्योंकि हम लोग मुस्लिम, हमारी तो उनसे बनती ही नहीं, मुसलमान हम थोड़ी है, पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान के एग्जाम्पल, हमारी तो बनती नहीं, आप कह रही हो हम भी उनसे हाथ मिला लेते हैं, आप क्यों मिलाओगे उनसे हाथ, ट्रेड के लिए, वो आपको अच्छा समझते हैं वहाँ के लोग, और यहाँ के लोग में 57-60% जो है वो एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, है ना, पॉलिटिक्स से तो ज़्यादा अच्छे हैं वो, भी रोल रहे हैं वो, तो भाई वो इकोनॉमी में बहुत आगे चले गया, वो रोल इसलिए रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलें, लेकिन पहली बार यही की थी, समझते हो कि एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे बीच दोस्ती और अमन होना चाहिए, जिस तरह से आज दुनिया ट्रेंड चला रही है गेट और पाकिस्तानी इंडियंस का, ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे हमारी चीज़ मोशियत बेहतर होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली इज्जत आ जाएगी, क्या समझ। मैं एक चीज़ आपको मेन चीज़ बताता हूँ जो मैंने वहाँ पर भी देखी है यहाँ पर भी देखी है, वो है ईगो हम सब में, हाँ हम इकट्ठा चलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है जब हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आया था या थोड़ी ज़्यादा आपको पता है पॉपुलर लाइक व्यूज वगैरह कुछ हो रहे थे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि ना दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ना एक ट्रेंड सा बन चुका है पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, वहाँ से भी पाकिस्तानियों को जो है ना बाहर निकालने के कई सारे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की जो है ना मांग की जा रही है। यहाँ तक कि अगर हम मुस्लिम कंट्रियों में देखें जिनको पाकिस्तानी अपने ब्रादर मुल्क कहते हैं, वो कंट्री भी अब पाकिस्तानियों को बुलाना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए, काफ़ी ज़्यादा नियम लगा दिए गए, शर्तें लगा दी गई है। कई सारी पाकिस्तान की ऐसी सिटीज़ हैं जिनको यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने बैन कर रखा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो ये सब कुछ ना पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से ही हो रहा है, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने पाकिस्तानियों को सुना है, वो इस बात को मान रहे हैं, इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये उनकी गंदी हरकतों की वजह से ही ये जो वेस्टर्न कंट्री है, जो मुस्लिम ममालिक है, वो ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर पाकिस्तानी वहाँ जाकर वहाँ के जो नियम कायदे कानून है, वहाँ की सोसाइटी का जो कल्चर है, उसको अगर वो अपनाते, उसके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो फिर पाकिस्तानियों के लिए ऐसी कोई जो है ना परेशानी आएगी नहीं। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जाकर ही जो पाकिस्तान के अंदर ये करते हैं दो नंबरी के काम, वो वहीं करना शुरू कर देते हैं, फिर उन लोगों को मजबूरन जो है ना ऐसे प्रदर्शन करने पड़ते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।